नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने एक ट्यूटोरियल पेश कर रहा हूँ जिसमें बताया जाएगा कि मतलब जो एक अपनी एनपीएस जो नॉन पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2004 से लागू हुई है, जिसके अंतर्गत एनपीएस के रूप में राशि कटती है कंट्रीब्यूशन के तौर पर, तो अपना 10% कंट्रीब्यूशन होता है वो अपने अकाउंट से कटता है और 10% ऑफ एनएसडीएल जो होता है वो अपने अकाउंट में जमा करता है। यानी कि टोटल जो उसको अपन किस तरीके से उसकी गणना कर सकते हैं, किस तरीके से उसको मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसे उसमें 3 प्रकार की पॉलिसियाँ रहती है अपने अकाउंट में, जैसे रिटायरमेंट सॉल्यूशन फंड रहता है और LIC पेंशन फंड रहता है और उसके बाद में अपने रिलायंस का भी कोई रहता है। तो इस तरीके से जो जो भी अपनी आपने जिस तरीके से जो एनेक्सर भरा हुआ है फर्स्ट स्टार्ट में, उसमें जो जिस पॉलिसी को राइट किया है वही पॉलिसी आपके अकाउंट में आकर आपकी राशि को मैनेज करती है और उसके तहत यूनिट के रूप में वो राशि, कुछ यूनिट बनते हैं आपके, तो उसके तहत राशि आपके अकाउंट में जमा की जाती है। उसमें यूनिट में कुछ साल दो साल पहले मैंने देखा था कि उसमें एक यूनिट का कुछ 12 रुपया और 57 पैसा बन रहा था, तो वो राशि बढ़ भी सकती है क्योंकि शेयर मार्केट का है, तो जैसे जैसे शेयर मार्केट अप होता है तो वो राशि बढ़ी हुई मिलती है अपन को और जैसे डाउन होता है तो उसमें राशि घटा दी जाती है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरीके से, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है मेरे पास में, तो ये सॉफ्टवेयर मेरे खुद के डिज़ाइन किया हुआ है जो एक्सेल में बनाया गया है और उसके तहत अपन उस राशि की किस तरह से गणना कर सकते हैं, किस तरह से उस राशि को मेंटेन रख सकते हैं, अपनी डायरी में भी मेंटेन कर सकते हैं या इसका जो अपने प्रिंट आउट भी कहीं रख सकते हैं अपन, जो अपने जो लास्ट में जो होता है अपने जब रिटायरमेंट होता है तो उस समय भी अपने काम का होता है। तो इसको अपन देखते हैं, ये जो मैं सॉफ्टवेयर आपके सामने जिसे बता रहा हूँ कि ये पूरी तरह से खाली है, ठीक है, देख रहे हैं ये पूरी तरह से खाली है। इसमें यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस, जैसे ये OB का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस और उसके बाद काउंटिंग यानी कि कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर थर्ड पॉइंट में है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आपका कितना बनता है और यहाँ पर आपकी टोटल राशि, जैसे यही की यही सीरीज पूरे सॉफ्टवेयर में चलती है। यहाँ पर भी ये पूरा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से आप देख रहे हैं खाली है ये, जैसे ही इसमें यहाँ पर जैसे कटौती डाली जाएगी ये अपने आप कैलकुलेट करेगा, इसमें कुछ फॉर्मूला सेट किए हुए हैं जिसकी वजह से ये अपने आप इसमें कैलकुलेशन कर लेगा, तो बहुत ही ये फास्ट है। और इसमें और भी अपन देखेंगे कि जैसे आपको 1 साल का लेना है, मान लो 8-9 का लेना है, तो आप 8-9 की कंट्रीब्यूशन राशि को यहाँ देख सकते हैं कि मेरे 8-9 में कितनी राशि जमा हुई थी और कितनी राशि मेरी बनी हुई है। यहाँ पर ये जो ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पर वो राशि आपके टोटल में आ जाएगी और यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट का जो कटता है वो आएगा, यहाँ पर आपका है एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पर टोटल हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो ऊपर से चला आ रहा है अकाउंटिंग टोटल में से, जैसे यहाँ की टोटल है वो फर्स्ट तो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से फिर शुरू करेगा यानी कि कंटिन्यूस ये चलता रहेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट ड्यू का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपके पास में मांग रही है या कभी किसी के कोई इंक्रीमेंट ज़्यादा लग जाता है या प्लस इंक्रीमेंट हो जाता है तो उनके कंट्रीब्यूशन ज़्यादा कटता है, जो मतलब अपना जो बेसिक होता है उस पर ये डिपेंड करता है। तो उसके बाद में आपका ड्यू कोई CF, जैसे मान लो किसी की राशि जमा समय पर नहीं होती है तो वो ड्यू कॉन्ट्रीब्यूशन गिना जाता है जिसमें आप गवर्नमेंट के पास मांग रहे होते हैं। तो आप देखेंगे इसमें किस तरीके से ये इसको अपन आसानी से आप समझ सकेंगे और फिलहाल तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अभी तक आपने किया नहीं होगा तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अपन किस तरीके से ये वर्क करेगा अपना।
इसमें तो 2008 से लगे हैं कर्मचारी, उनका भी इसमें बताया जाएगा। 2005 से लगे हैं उनका भी इस सॉफ्टवेयर के तहत माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहले तो अपन इसमें राशि जो होती है वह फिलअप करेंगे कि कितनी राशि कहां पर डाली जाएगी। तो इसके माध्यम से आपको आसानी होगी इसको समझने में कि किस तरीके से इसको अपन समझ सकते हैं। तो ये जो आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन, जैसे सेल्फ है यहाँ पर, ये सेल्फ है यहाँ पर, ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और यहाँ पर ये टोटल अपन ने देखा है पिछले में। तो आइए अपन देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा और आसानी से इसको अपन समझ भी।
तो देखो मित्रों, आपने किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर रन किया और एक मतलब कितनी आसानी से इसने सारे डाटास को कैलकुलेट करके और अपना जो एनपीएस का जो आंकड़े हैं उनमें कितना किस परसेंट से किस हिसाब से ब्याज मिलता है और किस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन आसानी से। तो बहुत ही सरल तरीका। और इसके बाद में इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूलाज डाले हुए हैं जो एक्सेल में बनाया गया है। दूसरी बात कि इसमें जो भी सॉफ्टवेयर होता है, वो जैसे मैं ये वर्क कर रहा हूँ तो मेरा खुद का सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ रहता है। ये जो चैनल यूट्यूब चैनल जो बहुत ही सेंसिटिव चैनल है दोस्तों, इसमें कॉपीराइट का क्लेम भी लग सकता है अपने ऊपर। मेरे यहाँ पर मेरे रिकॉर्ड में अभी तक तो कोई कॉपीराइट का, क्योंकि मैं किसी की कॉपीराइट करता ही नहीं हूँ, मैं किसी की न तो नकल करता हूँ, जो भी है वो सेल्फ है अपने। तो अपना जो है वो सेल्फ ही है। और मेरे चैनल को आप जहाँ तक हो सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बहुत जल्द लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरीके से इसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है। और इसके बाद में जो अभी एक नया फॉर्म भी आया है FATCA, तो इस तरीके से मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है दोस्तों। ओके, थैंक्स, गुड नाइट।